नमस्कार, मैथमेटिक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए। आप वीडियो देखते होंगे तो नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा, यानी वही बटन को आपको प्रेस करना है, वही लिखा हुआ है उसी को दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के जगह पे एक बेल का आइकन आ जाएगा, यानी घंटी के निशान, उसे भी बजा दीजिएगा, उसे बजाने के लिए नहीं भूलिएगा। तो देखिए, आज का ये प्रश्न कार्य और समय से है। इसमें कहा जा रहा है मीरा की कार्य क्षमता राधा से दोगुनी है, यानी मीरा की जो कार्य क्षमता है, वर्क कैपेसिटी है, वो राधा से दोगुनी है। यदि मीरा किसी काम को 15 दिन में पूरा करेगी तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीरा और यहाँ राधा। कहा जा रहा है कि मीरा की जो कार्य क्षमता है राधा से दोगुनी है, यानी राधा एक है तो मीरा दो है, यानी राधा से दोगुनी है कार्य क्षमता। यहाँ लिख भी देते हैं हम कार्य क्षमता, मीरा की कार्य क्षमता राधा से दोगुनी है। अब यहाँ है समय, तो आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में आप पढ़े होंगे, कार्य क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। ये नियम है इस चैप्टर की, कार्य और समय की चैप्टर की ये नियम है कि कार्य क्षमता जो है वो हमेशा समय के विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। यानी समय एक है तो कार्य क्षमता दो होगी, कार्य क्षमता दो है तो समय एक होगी। तो यहाँ हम एक डालेंगे, यहाँ दो डालेंगे, यानी विपरीत है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि मीरा उसी काम को या किसी काम को 15 दिन में करती है, ठीक है। मीरा कितने दिन में करती है, 15 दिन में करती है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में कर लेगी। अब जानते हैं कि कार्य क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो ये 15 है तो ये कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब हम इसे मिश्रण के रूल से, यानी एलिगेशन के नियम से हल कर लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ 30 है, यहाँ 15 है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 और 30 को 1, 30 से भाग करेंगे। अब पूछ रहा है दोनों मिलके, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 3 आ जाएगा। तो अब देखिए, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, मीरा की कार्य क्षमता राधा से दोगुनी है। मीरा किसी काम को 15 दिन में करती है, ठीक है, 15 दिन में कर रही है, तो राधा और मीरा दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें प्रश्न में यहीं तक दिया गया था राधा की कार्य क्षमता जो है वो मीरा से आधी है, यानी राधा की जो कार्य क्षमता है मीरा की जो है वो राधा से दोगुनी है, यानी इसका ये दोगुना है, इसका ये आधा है ना। अब जानते हैं कि कार्य क्षमता और समय से हमेशा एक दूसरे की विपरीत होती है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 डालेंगे। अब प्रश्न में दे रखा है कि मीरा काम को 15 दिन में करती है तो राधा इसके उल्टा, यानी 30 दिन में पूरा करेगी। 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, लॉस ऑफ ऑफ, तो 30 आएगी। अब 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2, 30 से 30 में करेंगे तो 1, यानी पूछ रहा है दोनों मिलके तो ऐड कर देंगे, यानी 3 इसमें भाग देंगे, इस 30 में भाग देंगे, तो 30 में 3 से आप भाग कीजिएगा तो आएगा आंसर 10 दिन। यानी कहने का मतलब है मीरा और राधा उस काम को 10 दिन में पूरा करेगी। तो देखिए इसी प्रकार का और दूसरा प्रश्न, तो देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है जो दूसरी टाइप पे आधारित है। इसमें कहा जा रहा आर की कार्य क्षमता ओ से तिगुनी है। आपको याद होगा इससे पहले की वीडियो में दोगुनी थी, बट अभी तिगुनी है। यदि वो किसी काम को 120 दिन में पूरा करती हो तो दोनों मिलकर उस काम कितना दिन में पूरा करेगी, यानी उस काम को कितना समय में पूरा कर लेगी, ठीक है। अब देखिए, कार्य क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के दोगुने होते हैं, उल्टा होते हैं, आपको याद हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे आर और ओ, कार्य क्षमता समय। कहा जा रहा है आर की कार्य क्षमता ओ से तिगुनी है, ठीक है,
यानी ये वन है तो ये थ्री हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर ये थ्री है तो वन, ये वन है तो थ्री, क्योंकि कार्य क्षमता समय जो है हमेशा एक दूसरे के दुगने होते हैं। अब कहा जा रहा है वो किसी काम को 120 दिन में पूरा करे, अगर वो किसी काम को 120 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर की कार्य क्षमता ओ से त्रिगुनी है। इससे पहले के वीडियो में हमने राधा और मीरा पे आधारित एक प्रश्न बताया था, जो जिसमें क्या था कि राधा की कार्य क्षमता थी वो मीरा की कार्य क्षमता थी वो राधा से आधी थी या दोगुनी थी, जो भी थी उसमें दोगुनी थी, इसमें त्रिगुनी है, ठीक है ना। अब देखिए कि आर की कार्य क्षमता ओ से त्रिगुनी है, यदि ओ किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करती है तो आर और ओ दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा कर ले। आर की कार्य क्षमता 3 है, ओ की 1 है, उसके बाद समय भी दिया गया है, ओ काम को 120 दिन में पूरा करती है तो दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। हम जानते हैं कि ये 120 है और त्रिगुनी की बात करी है तो उसमें 3 से जब भी भाग देंगे तो यहाँ 40 निकलेगा, यानी ओ जो है आर जो है वो 40 दिन में करेगी और ओ 120 दिन में करेगी, ठीक है ना, यानी यहाँ का यहाँ त्रिगुनी है ना। अब देखिए हम ये आर 40 ओ 120 का लॉसो लेंगे यानी लघुत्तम करेंगे तो आ जाएगा 120। 40 जो है 40 को भाग करेंगे 120 से तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, यानी अब पूछ रहा है दोनों मिलके तो इससे जोड़ देंगे 4। एलसीएम कितना है 120, एलसीएम में हम भाग करेंगे 4 से तो 4 तिहाई 120 यानी 30 दिन, यही हमारा उत्तर है। फिर से हम समझते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा आर की कार्य क्षमता ओ से त्रिगुनी है, यदि वो किसी कार्य को 120 दिन में कर लेती है तो दोनों मिलके इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। सबसे पहले हमने रखा आर और ओ, अब कह रहे हैं आर की जो कार्य क्षमता है ओ से त्रिगुनी है, ओ 1 है तो आर 3 है, ठीक है त्रिगुनी हो गई। समय आप जानते हैं कि दोनों का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ 3 था तो 1, 1 था तो 3। अब प्रश्न में कहा जा रहा है वो किसी कार्य को 120 दिन में, 120 दिन में जब ये 120 तो ये 40, क्योंकि त्रिगुनी है तो 3 से भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा। आर का मान है 40 निकला, ओ का 120 दिया था, दोनों का एलसीएम लेंगे 120 आएगा, जब भी 120 आएगा तो हम क्या करेंगे 40 को 120 से भाग देंगे 3 और 120 को 120 से 1। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, इसलिए 8 किए 4 और एलसीएम में 4 से भाग लगा दिए तो हमारा उत्तर आ गया 30 दिन। कहने का मतलब है आर और ओ दोनों जब एक साथ काम करेगी, एक साथ वर्क करेगी तो 30 दिन में कार्य को पूरा कर लेगी। तो आज का ये वीडियो सेशन 25 यानी 25 नंबर ट्रिक था जो यही खत्म होता है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहरबान होंगे। और इस वीडियो का लिंक अभी तक आपने किसी दोस्त के साथ नहीं शेयर किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके दोस्त भी कुछ सीख सकेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन होगा ऊपर में, आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।